सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की वीडियो में बताऊंगा कि सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल के बाद पूरे दिन में क्या हुआ। एक प्रॉपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि आज पूरे दिन का क्या माहौल रहा बोर्ड एग्जाम कैंसिल के ऊपर, और साथ में आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप सभी के लिए क्या गुड न्यूज़ है पूरे दिन की, क्या बैड न्यूज़ है। देखो, हमेशा की तरह आप सभी के लिए सबसे पहले तो बैड न्यूज़ क्या है वो बताता हूँ। बैड न्यूज़ देखो ज़्यादा बैड नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस एक तरीके से कम हो गए हैं। बैड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि आज पूरे दिन के अंदर मोर देन 380,000 प्लस केसेज आए इंडिया के अंदर। नंबर ऑफ केसेज कम हुए, लेकिन ये नहीं पता कि गवर्नमेंट डाटा छुपा रही है या फिर टेस्टिंग कम हो गई है, ये तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं तो उतनी बैड न्यूज़ ये नहीं है। अगर मैं दूसरी बैड न्यूज़ की बात करूँ तो मोर देन 3,600 प्लस डेथ हुई है। नंबर ऑफ डेथ भी काफ़ी कम हुई है, मोर 400-500 नंबर कम हुआ है। लेकिन यार, जो नंबर ऑफ डेथ है वो हमारे लिए नंबर है, लेकिन आप ये बात सोचो कि 3,000 से ज़्यादा फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये दोनों ही बैड न्यूज़ काफ़ी बैड है। अगर मैं बात करूँ गुड न्यूज़ की, अब बैड न्यूज़ के ऊपर अब ज़्यादा बात नहीं करें, गुड न्यूज़ की बात करूँ तो गुड न्यूज़ आप सभी के लिए पहली तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ यही है कि आज पूरे दिन हैशटैग ट्रेंड किया, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। पॉलिटिकल सेक्शन के अंदर ट्रेंडिंग में रहा हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम सेव लाइफ ऑफ ट्रेंड, इस टाइप के काफ़ी सारे हैशटैग ट्रेंड में रहे। बच्चों ने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी, लेकिन मैं एक बात से दुखी रहा, बच्चों ने बहुत कम वीडियोज़ बनाई। आप सभी को मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अगर आप वीडियो बना के अपनी बात को रखोगे तो गवर्नमेंट पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ दूसरी गुड न्यूज़ की, दूसरी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है कि जो मीडिया एजेंसी, उन्होंने भी बच्चों को काफ़ी सपोर्ट दिया। मीडिया एजेंसी ने काफ़ी ज़्यादा दावे किए कि बहुत जल्दी सीबीएसई की मीटिंग हो सकती है 12th बोर्ड एग्जाम कैंसिल के ऊपर, बहुत जल्द 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि गाइस देखो, मीडिया आपको इतनी सपोर्ट कर रही है क्योंकि आप सभी सही हो, दूसरी बात काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर आप सभी हैशटैग का यूज़ कर रहे हो, अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रख रहे हो, तो मीडिया को ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम कैंसिल के ऊपर अब मीटिंग हो सकती है। तो दूसरी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है। अगर मैं बात करूँ तीसरी गुड न्यूज़ की, तीसरी गुड न्यूज़ ये है कि SFI जो काफ़ी बड़ी स्टूडेंट की यूनियन है, वो भी आप सभी को बहुत जल्दी सपोर्ट कर सकती है। सबसे बड़ी अच्छी न्यूज़ ये भी है। अगर मैं बात करूँ लास्ट फाइनल गुड न्यूज़ की, गुड न्यूज़ लास्ट और फाइनल यही है कि आज पूरे दिन का माहौल इस तरीके का बना रहा कि अब आप कह सकते हो कि हाई चांसेस है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं, और ये भी पॉसिबल है कि बहुत जल्दी मीटिंग भी हो सकती है। स्टूडेंट की सपोर्ट में आज हर कोई है, सारी यूनियन है, मीडिया एजेंसीज है, काफ़ी सारे न्यूज़ रिपोर्टर भी है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं अब आप ये बात कह सकते हो कि अब एग्ज़ाम कैंसिल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में ये अपडेट था, इंपॉर्टेंट था, जो माहौल था पूरे दिन का वो मैंने प्रॉपर वर्ड्स में आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, बताई गई बातें भी सही लगी है, तो हो सके तो वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड साथ में, जिससे उनको भी गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ मिल सके और आज पूरे दिन का माहौल भी उनको समझ आ सके। अगर मेरे को इसी तरीके कोई दूसरा अपडेट मिलता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।